हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है अपनी रेसिपीज फटे हुए दूध से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो है मैं दूध गर्म कर रही थी तो ये दूध फट गया है, वो ले लेंगे। तो इस दूध को लेकर हम एक कपड़ा ले लेते हैं, उस पर छान लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो छेना निकला हुआ है इसे एक साइड रख लेंगे। तब तक अलग एक बर्तन में 2 कप करीब हमने आटा ले लिया है और ये छाना हुआ जो छेना निकला हुआ था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर ऐड कर लेंगे और इसे अब अच्छी तरीके से हमें इस तरीके से मिला लेना है। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो ये जो छानने के बाद बचा हुआ पानी था फटे हुए दूध से, उसे हम आटा गूंथ लेंगे इस तरीके से। और इसे हम करीब 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आटा है वो पहले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसे और 2 मिनट के लिए इस तरीके से मल लेंगे और हम अब इसकी इस तरीके से रोटी बेल लेंगे। अब इसके एक साइड हम पानी लगा लेते हैं और इसे उठाकर हम तवे पर रख देते हैं। अब इसके बाद गीला हाथ इसके ऊपर लगाकर हम कलौंजी के दाने चिपका देते हैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इस तरीके से इसे दबा दें और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दें। जब ये इस तरीके से ऊपर से पक जाए तब हम इसे इस तरीके से तवा उल्टा करके सेक लेंगे। इस तरीके से ये लीजिए, हमारा आटे का नान बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा, कितने जल्दी से घर में रखे हुए तवे से आसानी से हम आटे का नान बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इस तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। तो हम इसे भी बेल लेंगे और इसे तवे पर डालकर पानी का हाथ लगाकर इसे तवे पर रख देते हैं और इसकी भी प्रोसीजर सेम करेंगे हम। पानी का हाथ लगाएंगे और काले कलौंजी के दाने और कसूरी मेथी इस पर लगा के इस तरीके से दबा देंगे और इसे भी सेक लेंगे। ये लीजिए, हमारा दूसरा नान भी आटे का बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसे इस तरीके से साइड निकालते हुए निकाल लें। बस अब इन नानों को आप मटर पनीर, पनीर लबाबदार, छोले किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से बन जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।